नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सृष्टि और आज हमारे साथ पंजाब केसरी पर हैं प्रकाश झा की फिल्म आश्रम की भोपा स्वामी, जिनके किरदार को फिल्म में तो बड़ा पसंद किया जा रहा है लेकिन वो एज अ पर्सन भी बड़े अच्छे इंसान है। सो लेट्स वेलकम चंदन रॉय संग्याल इज विद अस राइट नाउ द वर्चुअल कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। हाउ आर यू? हाउ इज लॉकडाउन? हाउ इज एवरीबॉडी? हेलो, सुनाओ। तो अनलॉक के बारे में पूछे तो ज्यादा बेहतर है। तो अनलॉक भी बस धीरे धीरे जिंदगी कट रही है और कुछ नहीं, आप सबसे तो मौका मिल रहा है। जी जी जी, नहीं अभी तो लग रहा है काफी भी, वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गई बस पूछ रह गई है टाइप। तो बस थोड़ा और धीरे धरिए, सब लोग धैर्य धरिए, आई थिंक सब अच्छा ही होगा। दिवाली भी करीबी है। एक्चुअली दिवाली तो अभी पता नहीं, दिवाली से पहले तो क्या क्या रंग देखने को मिलेंगे अभी, है ना? बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया 2020। जी जी जी। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू नीड सम हेल्प, आर यू ओके अलोन, बट आई एक्चुअली एंजॉय बीइंग अलोन विद माय टू कैट्स। आई हैव टू थ्री कैट्स, आई लिव विद देम एंड आई लव टू कुक, आई वॉच माय फिल्म्स, आई डू लिटिल वर्कआउट एंड समटाइम्स आई गो बाय माय ग्रोसरीज एंड गो फॉर अ वॉक एंड ऑल दैट। So, it's fun, yeah. I mean, ये समय रोज रोज बार बार तो आने वाला है नहीं। वापस आपको उसी जिंदगी की उसी जद्दोजहद में जूझना पड़ेगा जाके, फिर वही शूटिंग और हर कुछ, वही मेहनत की जिंदगी। अभी जो थोड़े दिन मिले हैं तो घर पे मैं काट रहा हूँ अच्छे से। बहुत बढ़िया, तो जिंदगी तो बहुत बढ़िया से कट रही है। अभी भोपा स्वामी के किरदार को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना, एक ऐसी चीज बताओ जो भोपा स्वामी के किरदार के बारे में आपको बड़ी पसंद हो। देखिए भोपा स्वामी का मुझे अगर आपने देखा होगा तो कभी अपने रियल इमोशन दिखाता नहीं है वो। वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, जो करता है वो बहुत ही लगन और मन के साथ करता है। हालांकि वो अच्छा आदमी नहीं है, इट्स नॉट अ गुड गाय, बट ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज सम थिंग्स टू लर्न फ्रॉम एंड आई थिंक समथिंग टू लर्न फ्रॉम भोपा स्वामी इज दिस, ही इज वेरी काम एंड क्वाइट एंड ही, या ही इज अ गुड थिंकर आई थिंक, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस उसने खड़ा किया भोपा स्वामी ने। एग्जैक्टली, और बाबा निराला का राइट हैंड है भाई, अपने बॉस की हर बात मानता है, यस बॉस करके चलते हैं, और आजकल के टाइम में तो यस बॉस करके देना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, है ना? सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बॉबी देओल? मैंने एक इंटरव्यू में आपका पढ़ा भी था कि आपने कहा आप स्कूल में थे जब बरसात मूवी आई थी, है ना? एंड यू लव विद बॉबी। आई या वो मेरे पास अभी भी है, वो नीले रंग का चश्मा ऐसा वाला। अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरा और बॉबी सर उनका काफी लुक सिमिलर है, दाढ़ी और बाल एक जैसे लगते हैं हम लोग। एक्चुअली दैट्स वेरी मैजिकल इन द सेंस। तो उनका बरसात देखा उस टाइम पे, खूब झूमा उनके गाने, फिर करीब मुझे बड़ी पसंद है वो फिल्म जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया था, इतना अच्छा म्यूजिक था विधि विनोद चोपड़ा की फिल्म। अगर आपने किसी ने दर्शक उन्हें नहीं देखी है जो इस जनरेशन में, तो आप वो देखिए करीब करके, बहुत खूबसूरत फिल्म है बॉबी देओल की। वो फिल्म बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी है। वो सब करने का मैंने उनको बताया भी, जब मैं उनसे मिला मैंने, देखिए मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आई एम श्योर ये आप तो हर आदमी आपको बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन ये सच बात है। और लेकिन ये इट्स एन ऑनर दैट वी आर वर्किंग टुगेदर विद प्रकाश झा डायरेक्टिंग अस। तो वहीं से हमारी सेट पे ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, इज ऑलमोस्ट लाइक माय बिग ब्रदर नाउ, वी टॉक एवरी डे वी टॉक, ही इज बीन वेरी हेल्पफुल। पूरे लॉकडाउन में उन्होंने हमेशा मुझे फोन किया जानने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। सो ही इज अ वेरी स्वीट स्वीट नोबल मैन, इट वाज रियली ग्रेट वर्किंग विद हिम। अच्छा, वैसे बड़े शाय हैं बॉबी, है ना? सेट्स पे कैसे हो? हाँ, वो बहुत बहुत ही शाय हैं और वो काफी परे, वो उनके ठंडे पसीने छूट रहे थे जब शूट के दिन वो पहुंच रहे थे। हम लोग उनका काफी मजाक भी उड़ाते थे, बोले यार मैं कैसे करूंगा यार, यू नो लाइक यू नो, एंड ही इज अ वेरी शाय पर्सन। तो बोले यार मेरे फैमिली में लोग देखेंगे, मेरे को बीवी से डांट पड़ेगी। तो ही वॉज वेरी स्वीट एंड ही इज गॉट अ लवली लवली वाइफ भाभी जी,
एंड बट इट्स अ डायरेक्टर्स, इट्स एन एक्टर्स. हर एक्टर को ना वो देखने में लगता है कि यार कितना बढ़िया सेक्स सीन है और कितना अच्छा एक्टिंग किया, लेकिन जब करना होता है तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आपको एक तरीके से करना होता है और आपको कट कट के करना होता है और इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक सेक्स सीन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू फॉर एन एक्टर, या टू गेट इट राइट. एक्टिंग की बात करें तो अपने रोल्स को निभाते हैं जब आप, बहुत सारी फिल्मों में आपने अलग अलग किरदार किए हैं. जी जी जी. कोई रोल था जिसको निभाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो और आपको लगा हो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूं, या इट्स नॉट मी, ऐसा मैं नहीं हूं? ऐसे कुछ रोल्स थे जो चैलेंजिंग थे, ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेहनत काफी करनी पड़ी. जैसे मैंने एक फिल्म की थी प्राग करके, जो काफी लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखना चाहें तो. प्राग में मैंने एक मेंटल पेशेंट का रोल किया था हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिप्रेशन. तो वो रोल करने के लिए मैंने काफी मेहनत की थी, 6 महीने मैंने उस रोल पे काम किया था और वो बहुत अच्छी बनी थी वो फिल्म. लेकिन छोटी फिल्म थी, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तो आप नेटफ्लिक्स पे वो देख सकते हैं. वो एक रोल था. फिर मैंने एक बंगला फिल्म की थी बुद्ध देव दास गुप्ता के साथ, जहाँ पे मुझे बंदरों के साथ एक्टिंग करनी थी. yes. तो मैं पेड़ पर था कुछ 2 हफ्ते, सुबह चढ़ता था और शाम को पेड़ से उतरता था, दिन भर पेड़ पे बैठा रहता था मैं, बंदरों के साथ था मैं. तो ये कुछ रोल थे जो काफी यादगार रोल हैं, जहाँ पे मुझे फिजिकल एक्टिंग करनी पड़ी थोड़ा, क्योंकि मैं जब मैंने प्राग की थी, जब मैं वापस आया था, हम लोगों ने पूरी शूटिंग उसमें चेक रिपब्लिक भी की थी. आई वॉज देयर फॉर अबाउट मंथ एंड हाफ. तो आने के बाद मैंने वहां पे, क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि एक फिल्म है मशीनिस्ट करके क्रिस्टन बेल की, तो बोला कि उनको वैसा कुछ वाइब चाहिए. तो उसमें क्रिस्टन बेल जो था मशीनिस्ट में, उसने सिर्फ कॉफी और एप्पल खा के उसमें पूरी शूट की थी वो फिल्म. तो मैंने भी इस फिल्म के लिए मैंने काफी वेट लूज किया था, मैंने खाना छोड़ लिया था. मैं 1 महीने जब मैं प्राग में था तो मैं शायद 1 घंटा सोता था, तो मैं दिन भर शूट करता था, फिर रात भर मैं पार्टी करता था, क्योंकि उसका रोल ही ऐसा था कि वो दिन भर इसे इंसोम्निया. तो फिर मैं जब वापस आया तो मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज गुड फन, बिकॉज आप एज एन एक्टर यू क्रिएट सच थिंग्स, इट्स गोना लिव फॉरएवर. लाइक भोपा, पीपल आर लविंग इट बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच हैज गॉन इनटू, नॉट जस्ट मी, माय डायरेक्टर, माय को-एक्टर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कैमरामैन, मेकअप, कितने लोगों का हाथ रहता है उसमें. तो ऐसा बहुत कम होता है कि व्यूअर्स या ऑडियंस आपको एक किरदार के नाम से जाने, एंड भोपा आई बिलीव इज वन ऑफ देम, आप करते हैं, लोगों को पसंद आता है, करते हैं लोगों को पसंद आता है, लेकिन कुछ कई बार एक अभिनेता के जीवन में ऐसे पल होते हैं कि बस सब कुछ ठीक होने लगता है और ऑडियंस को सब पसंद आता है. तो ये, और हर अभिनेता उसी दिन का इंतजार करता है, उसी के लिए काम करता है कि जब उसको मास अपील ऑडियंस का मिले. तो आई थिंक वो इतने दिनों बाद मुझे वो मास अपील मिल रहा है, जहाँ पे हर वर्ग का आदमी, हर उम्र का आदमी देख रहा है. और अभी आई थिंक इस टुडे सिर्फ इसको 1 हफ्ता हुआ है और ये आग की तरह, लपटों की तरह पहुँच रहा है मेरे पास. अच्छा, प्रकाश झा सर की बात करें तो हमेशा रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं, सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा वो क्रिएट करते हैं. आपने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा दैट यू एस्पायर टू बी अ फिल्म मेकर, सो आपको प्रकाश कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो बड़ी पसंद है एज अ फिल्म मेकर? आई थिंक प्रकाश जी इज अ वेरी टैलेंटेड मैन. वो एडिटर भी हैं, वो कैमरा भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, लिखते भी हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत कुछ करते हैं वो. मतलब आज इतनी चीजें इस एक लाइफ में करना, एंड ही इज इनटू फिटनेस आल्सो. रोज सुबह 4:30 बजे वो जिम जाते थे, बॉबी तो 5:30 पहुँचते थे, मैं तो जाता ही नहीं था. लेकिन इनको देख के कितना इंस्पायरिंग लगता है कि एट दिस एज ही इज सो फुल ऑफ एनर्जी. 4:30 बजे जिम जाना, फिर 6 बजे सेट पे पहुंचना, दिन भर शूट करना, इतने क्राउड, 6,000-5,000 लोग सेट पे हैं, उनके साथ माइक पे बात करना. मैं तो 4 इंटरव्यू देख के देता हूँ तो मैं गला दर्द दुखने लगता है, वो प्यास लगने लगती है.
लेकिन वो दिन भर माइक पे बोलना, इतने लोगों को समझाना, टू हैव कीप पेशेंस. आई थिंक पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट एंड ही हैज इज अ वेरी पेशेंट मैन. एंड या आई एस्पायर टू बी फिल्म मेकर वन डे एंड टू लर्न थिंग्स फ्रॉम हिम, हाउ टू पुट अ प्रोजेक्ट टुगेदर, हाउ टू रन अ शो. इट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू लर्न. ओके, अच्छा आजकल के वक्त में सर्वाइवल अ बिग क्वेश्चन इन बॉलीवुड? Yeah, survival is a question for Bollywood. I mean, I am probably a little luckier than many others because, but there are people like who are assistants, who are working in light department, costume department assistants, sound. सब लोग काम कम हो गया, almost ठप हो गया है. अभी धीरे धीरे फिर शुरू हो रहा है, लेकिन एक safety measure है जहाँ पे आपको unit कम रखना पड़ेगा. जहाँ पे एक unit पे 100 लोगों को रोजगार मिलता था, वहाँ पे भी शायद 50 ही लोग होंगे. तो काफ़ी अफेक्ट हुआ है. तो इट्स अ देर इज अ प्रॉब्लम फॉर सर्वाइवल. और उसके बाद या इट्स टफ, इट्स रियली टफ. आई वांट टू आस्क अबाउट लाइक डू यू एक्चुअली थिंक द रियल टैलेंट गॉट एक्नॉलेज्ड इन बॉलीवुड? मतलब जो रियल टैलेंट है उसे पूरी तरह से एक्नॉलेज किया जाता है बॉलीवुड में या नहीं? That's I'm asking because after Sushant Singh Rajput's demise, we have heard about insiders outside, all that nepotism wala thing. वो तो वैसे बार-बार आता ही है, गर्म हो जाता है कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा. लेकिन still, I want to know from you as you are not from inside the industry, like. Yeah, yeah. I think जैसे अभी I will start with like how we have Ashram. It's working so well. And it's working very well. Just not because of other actors. I mean. Bobby Deol has equally worked hard to play that part, and he's supposed to be from a film family, but he also had a very tough time, he was telling me, and I'm sure he's spoken in a lot of interviews now that, you know, how he gave up because he was not getting any work and he almost gave up on acting. Then one day he realized, no, he should do it again. So, matlab aap Dharmendra Singh Deol ke suputra hain, aapne itni bade bade filmein ki hain, itne bade bade hits diye hain, आपके इतने मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, फिर भी उस आदमी को रोजगार की कमी हो जाती है. तो बॉलीवुड नहीं, मतलब बिकॉज आई वांट टू से बॉलीवुड, आई एम सेइंग द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा और फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स, इट्स ओनली बेस्ड ऑन टैलेंट. आप जितने पुराने बड़े बड़े सितारे हैं वो सब एक तरह से, जब पहला फिल्म हमारे हिंदी फिल्म में प्रोड्यूस हुआ था, सब इमिग्रेंट्स थे. कोई इस पाकिस्तान से आया है, कोई कलकत्ता से आया, कोई बांग्लादेश से आया है. एंड ड्यूरिंग पार्टीशन एंड देन दे सेट अप द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड स्टार्टेड वर्किंग. तो आई थिंक, मुझे लगता है सिनेमा जो है ना एक समुंदर की तरह है. अगर आप जितने भी कचरा डालोगे ना वो बाद में फेंक देगा, अंदर कभी लेके नहीं जाएगा. सो ओनली द टैलेंटेड फ्यू विल सर्वाइव, वेदर यू आर फ्रॉम द फैमिली और यू आर फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली. आई थिंक इट्स द is talent at the end. Like if I could say myself, it takes a while. Some people get it fast, some people get it quick. But then to keep that stardom, you have to really work hard. अगर आपके पास talent नहीं है, अगर आपके पास दिमाग ही नहीं है, आपने उतनी पढ़ाई करी ही नहीं है, तो आप दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म कर देंगे, लेकिन चौथे, पांचवीं, छठे में आप फिर ढाई बोल जाएंगे, क्योंकि आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा. तो वो उतना ही डिफरेंस है. किसी को जल्दी मौका मिल जाता है और किसी को बाद में मिलता है, लेकिन जब मौका मिलता है फिर आप ऑडियंस है. ऑडियंस इज द बिगेस्ट बैरोमीटर. एग्जैक्टली. अच्छा, किस तरह की फिल्में देखना चंदन को बहुत पसंद है, अगर हम बनाते हुए देखना चाहे तो? मैं एक्चुअली, मुझे आई लव रोमांसेस, आई लव रोमांसेस, आई लव, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूजिक. मतलब मैं 1940s, 50s, 60s के गाने सुनता हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ जैज ऑल्सो. आई लव ट्रैवलिंग, सो मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स विच आई लाइक हैज टू हैव गुड म्यूजिक, गुड विजुअल्स, सम गुड एक्टिंग एंड फूड. सो आई हैव रिटन अ फिल्म माई सेल्फ ऑल्सो ऑन फूड विच आई वुड लाइक टू मेक वन डे. बट yeah, so food, music, good traveling, good like कहीं नई जगह experiences जो होते हैं ना, एक I love like the magical experience of
समथिंग यू वॉचिंग एंड दैट सिनेमा ना, लाइक आप बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, कुछ मैजिकल हो रहा है, बारिश गिर रही है, हाँ बारिश गिर रही है, आप एक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और धीरे से रोशनी आती है लाइट से और मिस्टर फतेह अली खान का म्यूजिक बन रहा है, दूर से खूबसूरत लड़की छाता लिए चली आ रही है, इससे ये चीजें होती है ना, मुझे बहुत प्रभावित करता है। जैसे गुरुदत्त का एक फिल्म है, आई थिंक प्यासा में एक सीन है जो बहुत मुझे पसंद है, जहाँ पे वजीरा रहमान बारिश में भीग रहे हैं और गुरुदत्त एक काला जैकेट पहने हुए हैं और वो उसके पास आते हैं वजीरा जी के और ही इज ड्रिंकिंग फ्रॉम हिज फ्लास्क और उसको जैकेट देने की कोशिश करते हैं और बारिश हो रही है और गाड़ियों की लाइट आ रही जा रही है, आपके चेहरे पे पड़ रही है और हल्का सा म्यूजिक बनता है and she turns back with a tight close up of her hair and her eyes and then Gurudev yeah, something like that, these kind of films I really enjoy. मतलब जरूर देखने वाली हूँ जो भी फिल्म आप बनाने वाले हो and I'm looking forward. Thank you so much Chakrav for talking to us, it was wonderful having a conversation with you. Thank you for having me on the show.